हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आपके 5 मार्च 2023 में पूछे गए, यानी अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन पेपर, वो भी शिफ्ट 2। यहाँ पे जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और एक बार बता दीजिए कि ऑडियो विजुअल आप सभी को क्लियर है या नहीं। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूले। ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पेज पे भी हैं, तो जल्दी से भाई सब लोग आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सुधीर, भारती, पवन, अर्चना, यूपीएससी, रानी, दीपशिखा, प्रिया, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन पेपर को। बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम आने वाला है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमें दिखेगा, कौन सा पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का। तो चलो भाई, रेडी हैं तो थम्स अप करिए, देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से थम्स अप करिए जो लोग भी रेडी हैं। नहीं, कम्युनिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन बैरियर अभी बाकी है, कम्युनिकेशन बैरियर को भी कंप्लीट कराया जाएगा, कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं उन्हें भी कंप्लीट कराया जाएगा। बट यस, हमें लेटेस्ट ट्रेंड को भी देखते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये डीआई का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, 5 मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। जरा वो लोग हैंड रेज करिए कि जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। गुड इवनिंग पूजा, सुधीर, पूर्णिमा, आंचल, प्रीति, कराटे गुरु, मोना, जल्दी से बताइए आप लोगों ने ये देखा। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था ये वाला, यूनिवर्सिटीज दी गई थी और यहाँ पर आपका परसेंटेज में जो टीचर्स हैं बताई गई थी कि ए यूनिवर्सिटी में 11% है, बी में 17%, सी में 19%, डी में 6%, ई में 29%, एफ में 18%। और यहाँ पर इन्होंने बताया था कि मान लीजिए ई का जो 29% है वो 1856 के बराबर है, तो इसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबको समझ में आ गया था? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? खुश रहो कराटे गुरु जी। ठीक है, अभी जल्दी से मुझे बताओ किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था, सिंपल सा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, आज ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाला था 49। कैसे निकाला था? 29% इन्होंने बोला बराबर है किसके? 1856 के। 1856 दिया गया था ई के लिए, यानी ई का परसेंटेज था 29%। उन्होंने बोला कि 29% अगर इक्वल टू होता है 1856, तो टोटल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 29 को नीचे लिखेंगे, 100 को ऊपर, 1856, तो हमें पता चल जाएगा इसका मतलब है टोटल 6400 टीचर्स हैं। उसके बाद बी में शिक्षकों की संख्या, जैसा कि हमें मिल गया 6400 शिक्षक है, बी में कितने परसेंट है? 17%, तो 6400 का 17% निकाल लेंगे। फिर इन्होंने कहा डी और ई को मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या, तो डी कितना है? 6%, 29% ये है, इन दोनों को मिला दिया तो हमारा कितना बना, कितना आया? 1088। यहाँ पर बी में डी और ई को मिलाकर हमारा कितना हुआ, टोटल कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज बताना है, परसेंटेज में आपने बी के शिक्षक ऊपर लिखने हैं, डी और ई के टोटल हुए 2240। सही आंसर 48.57, क्योंकि यहाँ लगभग लगा है इसलिए यहाँ पर 49% इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अभी देखो यहाँ पर किसको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे, हरीश क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें, सारी चीजें यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके सामने है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली अगर आपको थोड़ी भी मैथ आती है। समझ में आ गया? यानी अगर 29% मॉक टेस्ट में 20 स्कोर कर रहे हैं, 50 में से मैम स्कोर कैसे बढ़ाऊं? शिखा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ज्यादा समझ में आएगा, विदाउट कुछ नहीं है। अब जैसे ये मैं PYQ ऑलरेडी करवाया, मैंने काफी बार समझाया, लेकिन क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें परसेंटेज में भी हो सकता है निकालना नहीं आता।
ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपके जो मैथमेटिकल या डीआई क्वेश्चन आएंगे, आपके परसेंटेज वाले आएंगे, आपके एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए, कॉमन से जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको करना है, और उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, करके नहीं देखोगे, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि विद्यालय सी में 25% शिक्षक महिलाएं हैं, सी कहाँ है 19%, टोटल हमें मिल गया था कितना 6400। अब 6400 का इन्होंने कहा मान लीजिए 19% है सी में, तो सबसे पहले इसका 19% निकाल लीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा, मान लीजिए इसका जो भी आपका आंसर आएगा उसका निकाल लीजिए 25%। ठीक है, 25% निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 75% जो आपके पुरुष हैं उनकी संख्या आ जाएगी। कैसे? ऐसे। टोटल हमें पता लग गया था 6400। अब सी का है 19%, हमने 19% निकाल लिया। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, नीचे की संख्या को ऊपर की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, 00 00 चला गया। अब कितना बचा, 64 × 19, नहीं आता है कोई बात नहीं, 64 को मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, 64 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1216। फिर इन्होंने कहा जो भी संख्या है उसका 25% शिक्षक महिलाएं हैं, तो 20% आपने निकाला, यानी आपको मिल गई फीमेल कैंडिडेट। अब अगर फीमेल कैंडिडेट मिल गई तो दो लोग हैं, मेल और फीमेल, तो 1216 में जब आप फीमेल को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, मेल जो कि है 912। पूरे क्वेश्चन का यहां पर एक्सप्लेनेशन है। मुझे नहीं लगता, अगर मैं कौन चीज नहीं समझ में आई मांडवी, यहां पर आपको इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि ए से एफ तक जितने भी विद्यालय हैं, ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें टीचर्स का परसेंटेज दिया गया, टोटल नंबर नहीं दिया गया कि टोटल कितने ही आपके टीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको टोटल निकालना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्होंने सिर्फ एक का टोटल किया कि ए में मान लीजिए 1856 टीचर हैं, ई का क्या मतलब है 29%, यानी कि अगर 29% मान लीजिए, 29% इन्होंने बोला है कितने हैं 1856, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 1856 को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 29 को, इंटू कर दीजिए 100, डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टोटल संख्या लिख के आएगी 6400। और जब ये लिख के आ गई तो सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना रह जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। 6400 समीम बेटा कैसे आया, मैंने आपको बताया कि 29% इक्वल टू 1856, यानी किसी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 29% लोग हैं, और वो 29% का मतलब है कि 1856। तो हमने जब टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, हम अपोजिट कर देंगे, यानी 29 को लिखिए नीचे, 1856 को लिखिए ऊपर, ठीक है, इंटू 100, तो हमें पता चल जाएगा किस संख्या का ये 29% है। अगर आप डायरेक्टली, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं। तो 6400 का अगर आप 29% निकालेंगे तो आपका कितनी संख्या आ जाएगी, 1856, यानी कि जो हम यहां निकाल रहे हैं वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आप लोगों को करवाया था भाई। अगर हमारे पास, हमको पता है 100% कोई चीज है, अगर हमसे उससे पूछा जाए 5% निकालिए, 6% निकालिए, 7%, सिर्फ यहां हमसे परसेंटेज ही तो पूछा जा रहा है, पूछा ही क्या जा रहा है, एक डेटा से परसेंटेज हमने निकाल लिया, अभी कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ क्वेश्चन किस चीज का है, परसेंटेज निकालने का। हमें एक संख्या में ही इन्होंने आंसर, मतलब पहले ही क्लू दे दिया कि 1856 बराबर है 29% के, तो बस इसका आप टोटल निकाल लीजिए, जब टोटल मिल जाएगा 6400, 6400 का अगर आपसे 5% पूछा जाए, 6%, परसेंटेज निकालना आना चाहिए, मेन बात ये है।
64 सौ का 29 कितना हुआ, 1856। यानी दीपशिखा, अगर हम यहाँ पे जो 29 का निकाले हैं 6400 टोटल, वो सही है ना। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर आप लोग देंगे क्यों, इसमें क्या करना था। ए बी सी तीनों की संख्या, तीनों में यानी ए बी सी को निकाल लीजिए, फिर इन्होंने कहा डी ई एफ को निकाल लीजिए, फिर आप डी ई एफ को निकालेंगे, और जब निकाल लेंगे, एक मिनट भैया, एक मिनट, गड़बड़ हो गया। आप लोगों के चक्कर में गड़बड़ हो गया भाई, ज्यादा कुछ मैग्निफायर हो गया। ठीक है, तो ए बी सी तीनों और विश्वविद्यालय डी एफ तीनों में शिक्षकों की कुल संख्या एल एम है, तो एम माइनस एल, एम बता दिया ए बी सी को, एल बता दिया किसको, डी ई एफ को, आपस में माइनस कर दीजिए, यानी पहले परसेंटेज निकालिए फिर आपस में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है, परसेंटेज निकालना किस किस को नहीं आता है अभी सीख लीजिए, अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था कि यदि विश्वविद्यालय एफ, एफ कितना है 18%, उसके 1/36 शिक्षक प्रोफेसर का वेतन है 96,000, यानी उनमें से मान लीजिए 1/36 ऐसे टीचर हैं जिनका की जो सैलरी है 96,000 है, तो इन प्रोफेसरों का कुल मासिक वेतन कितना है। तो यानी सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, टोटल संख्या आपको मिल गई थी उसका 18% निकाल लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर का 1/36 कर दीजिए, जो इसका आंसर आएगा उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 96,000 में, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। नसरीन बेटा, आया था कि नहीं आया था समझ में, किसकी बात करी गई है, एफ की। एफ का क्या मतलब, 18। तो 6400 का 18% कितना हुआ, 1152। अब इन्होंने कहा 1/36, तो 1152 का 1/36 निकाल लिया, कितना हुआ 32। अब यानी कि एक जो इसमें 1152 में 1/36 शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी सैलरी है 96,000, तो 96,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 32 में, जो सही आंसर होगा वो होगा 30.72 लाख। राधे कृष्णा बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर 30.72। यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन है जहां पे कुछ भी डाउट नहीं होने वाला। एक बार अगर आपने टोटल निकाल लिया तो सिर्फ आपके पास एक काम रहता है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन मतलब परसेंटेज का। आपको सिर्फ अगर ए का पूछा जाए तो 6400 का 11%, मान लीजिए उन्होंने कहा होता कि मान लीजिए किसी संख्या का 11% जो है, मान लीजिए 330 है, 330 है किसी संख्या का 11%। अब आप क्या करते, अगर आपको टोटल संख्या निकालनी होती तो 330 को लिखते ऊपर नीचे, लिखते 11 इंटू करते 100, तो आपको टोटल संख्या मिल जाती। यानी कि ये डिजिट 1856 इनके द्वारा दी गई है, और जो स्टेटमेंट ये लोग देते हैं हमें उसी आधार पे काम करना है, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड करना है। थैंक यू संगीता बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आ गया समझ में, पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोग एक बार भी इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, याद रखिए सबसे ज्यादा डाउट किस बात पे होता है कि मैम मैथ हो चाहे डीआई हो, इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले एवरेज निकालना सीख लीजिए, परसेंटेज निकालना सीख लीजिए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा डीआई में अगर हम बात करें तो डीआई में तीन चार चीज आती है सिर्फ, एक होता है एवरेज, एक होता है आपका एडिशन यानी जोड़ना, एक होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि भाग देना, उसके अलावा क्या आता है भाई, रेशियो निकालना। रेशियो निकालना ये चार पांच चीजों में ही आता है आपका डीआई, जबकि मैथ में
हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट आए, हो सकता है परसेंटेज आए, हो सकता है स्पीड आए, हो सकता है वहाँ पे टाइम से रिलेटेड आ जाए, तो मैथ का जो बेसिक मैथ है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिर्फ एवरेज पूछा है, क्योंकि टोटल हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि भाई 1856 है किसका, ई का, यानी 29% इक्वल टू हमारा, इन्होंने बोल दिया 1856। 1856 का मतलब है, अगर किसी संख्या का 1856 29% के बराबर है, तो यानी 1856 29, और अगर ये कहा जाए कि परसेंट, देखो अभी ये हम निकाल रहे हैं कि टोटल संख्या जब हमें निकालनी है, तो यहाँ हो गया 6400। ठीक है, टोटल संख्या मिल गई, लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है ए सी डी एफ चारों में शिक्षकों की औसत संख्या बताइए, तो टोटल संख्या निकल आई। अब ए का 11% प्लस सी का 19% प्लस डी कितना है 6%, और उसके अलावा एफ कितना है 18%। अब इसको टोटल कर लीजिए, फिर 6400 में इसका परसेंटेज, ये जो आपकी संख्या आएगी उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू शिखा बेटा, बहुत आराम से समझ में आएगा बेटा, थोड़ी सी मैथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और ये एक्सप्लेनेशन कब के हैं, 5 मार्च के, कोई दे दे तो बेटा बताना। एक क्वेश्चन ये जो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ, दोबारा फिर मैं आप पे मेहनत कर रही हूँ, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन के आंसर निकाल लें, अदरवाइज मैं भी आऊँ आपको क्वेश्चन दिखाऊँ और उसके बाद चली जाऊँ, इतने से अपना काम नहीं होता है ना, जब तक आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, क्या करना है, ए में शिक्षकों का 11%, सी में 19%, डी में 5%, एफ में 18%। या तो ऐसे करो या फिर शॉर्टकट करो, यानी 11+, क्योंकि संख्या हमारी 6400 है, सिर्फ 6400 से निकालना है, तो इसलिए अगर हम इसको 11, 19+5+18 ये जोड़ दें, और जोड़ने के बाद इनका निकालें, तभी भी कोई इशू नहीं है, उसका जो भी आंसर हो 6400 का उसका परसेंटेज निकाल लो सीधा सा, और लास्ट में एवरेज निकालना है। क्यों? क्योंकि चार संख्या दी गई, ए सी डी एफ, चार कॉलेज हैं, चार से डिवाइड करो, 864 आंसर। कितना आंसर आएगा? 864। स्वर्णलता बेटा, प्रिया, ये है आपकी डीआई रीजनिंग की क्लास भी, बहुत जल्द भारती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपसे पूछा था कल मैंने। डीडी ज्ञान दर्शन एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है, जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र इग्नू के द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट 2 था कि स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डीटीएच चैनल JST-15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। प्रणाम प्रिया, आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। सोशियोलॉजी का मैं टेलीग्राम पे मैं देखती हूँ बेटा, बाकी आप लोग भी इनिशिएटिव ले सकते हो और अपने खुद से भी आप लोग करवा सकते हो। पहला गलत है और दूसरा सही है, बिल्कुल सही बात है, पहला गलत दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। जरा इसको एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लीजिए, डीडी ज्ञान दर्शन पढ़ो जरा एक बार। डीडी ज्ञान दर्शन एक दूरदर्शन केंद्र इग्नू से प्रसारित होने वाला एक राज्य के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल, और उन्होंने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ये किसके द्वारा है, राज्य के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है, यह सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, इसरो के सहयोग से MHRD की एक शैक्षिक मीडिया पहल है, जिसमें इग्नू नोडल एजेंसी है। दूसरा स्टेटमेंट था कि स्वयं प्रभा 34 डीटीएच चैनल का समूह है, जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है।
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन इकरा। अच्छा, मैं इंग्लिश में भी जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन होगा मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी बेटा, ठीक है? टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरे पास इंग्लिश का कंटेंट मिलता है, मैं आप लोग को इंग्लिश का कंटेंट शेयर कर लूंगी, इसमें से पढ़ लेना। अभी जो भी चीज मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और स्कैफोल्डिंग, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप और स्कैफोल्डिंग के बारे में क्वेश्चन है। स्कैफोल्डिंग से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, सो आपको दो चीजों पे काम करना है। एक तो आपको स्कैफोल्डिंग क्या होती है आपको इस चीज के बारे में याद रखना है, स्कैफोल्डिंग के बारे में। दूसरा है कॉग्निटिव, ये दोनों चीजें आपसे दोबारा फिर से पूछी जा सकती है, अप्रेंटिसशिप के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता बच्चों को वास्तविक दुनिया की व्यवस्था में सीखने के अवसर प्रदान करके एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम सिखाता है, यह एक शैक्षणिक विधि है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता यानी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जो छात्रों को गतिविधि सामाजिक संपर्क के माध्यम से प्रमाणित प्रथाओं में शामिल करने के लिए संदर्भित करती है, जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी और उपयोग में सहायता मिलती है। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है? इसको हम कह सकते हैं मचान या ढांचा निर्माण। भवन बनाते समय ऊपर के भाग तक पहुंचने के लिए मचान या बांस आदि का ढांचा तैयार किया जाता है। वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग के विचार का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों में बुनियादी बातों को सीखने में प्रयोग किया जाता है। स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण का शिक्षा के क्षेत्र में अर्थ छात्रों को की सीखने समस्या समाधान किए जाने वाले सहायता से है। इस वाले एक्सप्लेनेशन को आप सबने बहुत ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका दोबारा भी आ सकता है कि ये दोनों चीजें क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। आपके सामने दोनों का ही एक्सप्लेनेशन है और आपने उसको पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने, आंसर करिए। ऑटोमेसिटी और रणनीति निर्माण सूचना के संसाधन के लिए नई प्रक्रियाओं का अन्वेषण है। ऑटोमेसिटी अधिक प्रयासों के साथ सूचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर एट, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वचालिता कम से कम प्रयासों के साथ सूचना की एक प्रक्रिया है। यह सचेत प्रयास के साथ जटिल कौशल का प्रदर्शन करने की क्षमता को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी पहला गलत है और जो दूसरा है वो सही है। स्वचालिता वातावरण के साथ एक परिचित और आरामदायक बातचीत की अनुमति प्रदान करती है। स्वचालिता को एकल शब्द स्तर पर तेज, सटीक और सहज शब्द पहचान के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं रणनीति निर्माण सूचना के संसाधन के लिए प्रक्रियाओं का अन्वेषण है। रणनीति निर्माण यानी कोई चीज का स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, रणनीतिक लक्ष्यों योजनाओं को बढ़ाने से संबंधित योजनाएं और निर्णय लेना शामिल है। ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये है आपका 5 मार्च 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जो मार्च में एग्जाम हुआ था। ये वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। एक्सक्लूसिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पर ये पेपर अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव है ये। किसी भी चैनल पे ये पेपर विद एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी ने अदर चैनल पे देखा हो तो बताओ जरा, जरा एक बार वो लोग हैंड्स अप कर दो जिनको एक्सप्लेनेशन के साथ फरवरी मार्च के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हो।
जल्दी से एक बार जरा थम्स अप कर दो जिनके पास अवेलेबल है। सतेंद्री, देखा है ये वाले क्वेश्चन पहले कि सिर्फ हमारे चैनल पे ही देखने को मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नेहा आंसर करो बेटा। डेली लाइफ है, देखा बेटा कहीं? तो सोचिए, अगर आप पे इतनी मेहनत की जा रही हो कि आपको लेटेस्ट पेपर सॉल्व करवाया जा रहा हो, तो भाई इतना तो करो ही कि वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करो। कोई नहीं करवा रहा है अभी तक किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया है। सोचिए उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा जो पेड क्लासेस ले रहे हैं और उनको अभी तक यही नहीं पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो आप लोग जरूर सबकी हेल्प करो और सबको शेयर करो ये क्वेश्चन पेपर, ये वीडियो, जिससे कि सारे लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि समस्या आधारित अधिगम में, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, जो स्मार्ट वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यानी स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनास फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग। समस्या आधारित अधिगम किस पर केंद्रित होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आता है? आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। बिल्कुल, पहली शिफ्ट का भी करवाऊंगी, सेकंड शिफ्ट निपट जाए फिर फर्स्ट शिफ्ट का भी करवाऊंगी, ठीक है? तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में, जहां पर आप समस्या को हल करने के बारे में बात करते हैं, प्रेरणा और सीखने की ओर प्रेरित करता है ये शब्द स्मार्ट। फुल फॉर्म याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है? और ये पीडीएफ सिर्फ उनको दी जाएगी जो क्लासेस को अटेंड करेंगे, उसके अलावा किसी को भी नहीं दी जाएगी। आप जो लोग भी देख रहे हैं, अपना अपना मेल आईडी मेरे को सेंड करेंगे, सिर्फ उसी को ही दी जाएगी। आप मेरा जो मेल एड्रेस है, divya.gautam16@gmail पे आप मेरे को कर सकते हो। अभी मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ, ठीक है? सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगी जो सीरियस होगा। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सीईसी। विद एक्सप्लेनेशन अगर कोई चीज करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती। स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक कौन है? एक बार एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ो, पढ़ लिया तो थम्स अप करना जरा। हुजूर, गुड इवनिंग बेटा। अमित, स्वयं के लिए गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल स्नातक शिक्षा के लिए संयोजक जो है, यानी कोऑर्डिनेटर है, सीईसी है। अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज और पूछी गई थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, 3 प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो कौन कौन से हैं? पहुंच, समता, गुणवत्ता, याद रखिएगा। तो स्वयं के कोऑर्डिनेटर कितने हैं, कौन बताना चाहेगा? अभी मैं आप लोगों को अपना मेल आईडी दूंगी, आप लोग अपना अपना मेल आईडी मेरे को सेंड करेंगे, जिससे कि मैं उन्हीं लोगों को पीडीएफ दूंगी जो क्लास अटेंड करेंगे। उसके अलावा किसी को ये पीडीएफ नहीं दी जाएगी। चलिए, ये देखिए मैंने मेल आईडी आप लोगों को शेयर कर दी है। इस मेल आईडी पे जो भी रिवर्ट करेगा, ठीक है? चलो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 9, कोऑर्डिनेटर, वेरी गुड सना, काजल, भारती, नसरीन, कराटे गुरु, वेरी गुड। 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं और 9 कोऑर्डिनेटर्स का क्या क्या काम है, उनको भी सबने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करता है जिसमें से एक है CF. CF डॉट का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 11. थैंक यू दिव्या. चलो आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने. और याद रखिए ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पेपर है, ये किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है. कब का पेपर है ये? 5 मार्च 2023 का, यानी अब से 2 महीने पहले का क्वेश्चन पेपर है, वो भी शिफ्ट 2. तो आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करें. और जिनको भी ये PDF चाहिए मेरी मेल आईडी पे अपनी मेल आईडी शेयर करना या कमेंट कर सकते हो जिससे कि मुझे समझ में आए आपने क्लास अटेंड करी है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कंपेयर. एक शोध रिपोर्ट शोध प्रक्रिया का समापन होता है. ये एक शोधकर्ता की गतिविधियों अध्ययन के परिणामों की एक व्यापक प्रस्तुति होता है. CF का अर्थ होता है तुलना करना यानी कंपेयर फ्रॉम. थैंक यू सना बेटा, क्या बात है आज तुम लोग तारीफें कर रहे हो भाई, बात क्या है आज? आज तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मैटर. चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने. पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था रिसर्च की थ्योरी क्लास में. यहाँ पे आपसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पूछ लिया गया. जिसने भी हमारी यूनिट 2 यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड की थ्योरी क्लासेस ली हैं उनको पता है कि ऑलरेडी मैंने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पढ़ाया हुआ है और वहां से क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए. कौन सी आईडी नहीं है? मेल आईडी नहीं है, कोई बात नहीं. आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने क्लास देखी है. दिव्या नाम कभी ओल्ड नहीं होता, बिल्कुल सही. आज मदर डे है. यस नसरीन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. अपनी अपनी मम्मी को जाके हैप्पी मदर्स डे जरूर बोलना. और जो लड़कियां हैं आज शाम का खाना वही बनाएंगी, लड़के हैं वो भी बनाएंगे आज. मम्मी को खुश कर दो आज जाके. थैंक यू बेटा, थैंक यू दिव्या. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12 है. मैं एक बार जूम कर देती हूँ जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ पाओ. क्वेश्चन को पढ़ लिया हो तो थम्स अप करो. प्रीति क्वेश्चन को पढ़ लिया हो तो थम्स अप करिए प्लीज. थैंक यू डेली लाइफ हैक. ठीक है जिसको ना समझ में आ रहा हो वो मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकता है. और यस आपने वीडियो को क्या करना है, ध्यान से लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. थैंक यू दीपशिखा. ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देखिए. सीधे हम आंसर पे चलते हैं. ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी जो पहला दिया गया है वो गलत है और दूसरा सही है. क्यों? गैर प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग सरल नहीं होता है और अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया होती है, अर्थात उनकी परिगणना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है. ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? अगर हम बात करें सांख्यिकी परीक्षण जो आंकड़ों के प्रसामान्य बंटन या किसी अन्य धारणा पर आधारित नहीं है, बंटन मुक्त परीक्षण या गैर प्राचलिक परीक्षण के रूप में जाने जाते हैं. यानी पहला डेफिनेशन है आपका नॉन पैरामेट्रिक का. आंकड़ों को आमतौर पर रैंक या समूहीकृत किया जाता है. किसमें? नॉन पैरामेट्रिक में. इसमें आंकड़े परीक्षणों की श्रेणी पर आधारित होते हैं, जनसंख्या के किसी वितरण पर निर्भर नहीं होते हैं. गैर प्राचलिक परीक्षणों में किसी विशिष्ट वितरण अनुवर्ती पूर्वानुमान की अपेक्षा नहीं की जाती है. तो यहाँ पे जो लिखा है कि बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, रैंकिंग के आधार पर होता है, तो ये प्रोसेस ईजी है. तो डेट इज यहाँ पे आपका आंसर की ऑप्शन नंबर डी सही है. पहला गलत दूसरा सही. हाँ अच्छी से डिश बना के खिलाना भाई. ठीक है चलो अजीत नमस्ते बेटा. क्वेश्चन नंबर अब आप लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 लेटेस्ट यही पैटर्न है एग्जाम का. हम लोग कहते हैं कि जो सिलेबस है उससे पढ़ ले,
बुक से पढ़ ले, बट एक्चुअली में एग्जाम में आता क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पीयर, यानी कि आपके रिसर्च का जनरल रिसर्च, पीयर रिसर्च, एथिक्स, इससे क्वेश्चन बहुत सारे इस समय पूछे जा रहे हैं। तो रिसर्च आर्टिकल और पीयर रिव्यू जनरल के बारे में यहाँ लिखा गया है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30। जय माता दी, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया। सारे दिन ही माता रानी माता के हैं अपने। माता रानी तो फिर दूर बैठी है, अपनी माता तो फिर पास है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13, जूम कर दें 1 मिनट बेटा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो थम्स अप करिएगा। और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, सबको शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी देख पाए कि एक्चुअली में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। समकक्षी, जिन्हें हम कहते हैं पीयर, ठीक है। समीक्षित जर्नलों में प्रकाशित शोध आलेखों को विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं। समकक्षी पीयर समीक्षित जर्नल में शोध पत्रों की गंभीर समीक्षा नहीं होती, क्योंकि उनका प्रभाव कारक उच्च होता है। ऑप्शंस देखिए। और जिनको मेरी मेल आईडी पे नहीं भेजना आ रहा है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम को अभी ओपन करूंगी, वहां पे अपनी मेल आईडी सेंड करेंगे, और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी ये पीडीएफ जो वीडियो को देखने के बाद में मेल आईडी सेंड करेंगे। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर कितने का था, 13 का, ऑप्शन नंबर सी। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आपको ना सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आपको आंसर भी बताए जा रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। पीयर रिव्यू सी आंसर सही है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन जो तर्क दिया गया है वो गलत है। पीयर रिव्यू जर्नल का अर्थ है वे पत्रिका जिसमें प्रकाशित को प्रकाशन से पूर्व विषय विशेषज्ञ द्वारा जांचा जाता है। इन पत्रिकाओं में विषय अनुसार विषय विशेषज्ञों की एक समिति होती है, जिसका कार्य पत्रिका हेतु प्राप्त शोध आलेखों को पत्रिका मानकों, विषय सामग्री इत्यादि के आधार पर जांचना होता है। समिति सदस्य प्रत्येक आलेख पर अपनी टिप्पणी देते हैं, इसलिए कथन एक सही और कथन दो जो है वो गलत है। बिल्कुल आशीर्वाद ले लो बेटा, बात कर लो, वही बहुत है, बाकी आशीर्वाद तो उनका ऑटोमेटिकली हम लोग के साथ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनसे शोधकर्ता एक परियोजना के संचालन के लिए प्रेरित हुए, तो इसके लिए आपको उनके शोध आलेख के किस भाग को पढ़ना होगा? जय हिंद यदु, आंसर करो बेटा। कोई पैसा नहीं लगना है, बाकी जिसको लगता है कि मैम अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए, तो आपने सिर्फ मेंबर बनना है चैनल के, वो भी सिर्फ 89 रुपीज आपको महीने का देना है, सिर्फ 1 महीने का, सिर्फ 89 रुपीज। मेरे ख्याल से 100 रुपए भी नहीं है ये तो, है ना। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि हम एक छोटा सा मेंबरशिप लेके सपोर्ट कर सके। अगर आप किसी जगह पे पीडीएफ परचेस करने जाएंगे, स्टडी मटेरियल परचेस करने जाएंगे, तो वहां पर वो चीजें नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पर मेंबरशिप लेने पे लाइव क्लासेस फ्री, पीडीएफ फ्री, है ना, डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे जो क्विज हो रहे हैं पेपर 1 वो आपको फ्री मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं सिर्फ 90 रुपए, यानी 89 रुपीज से। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, सैद्धांतिक कारणों को समझाने हेतु जिनसे शोधकर्ता एक परियोजना के संचालन के लिए प्रेरित हुए, इसके लिए हमें इस शोध आलेख के प्रस्तावना भाग को पढ़ना होगा कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्या है।
शोध प्रपत्र के प्रारूप के तीन प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया आपका विषय वस्तु मुख्य अंग, और लास्ट में आएगा शोध के प्रमुख निष्कर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वही मैं कह रही हूं कि लोग 90 रुपए तो क्या 100 रुपए पर डे खर्च करते हैं, बट यहाँ पे आपको वो भी नहीं खर्च करना है, सिर्फ 89 रुपीज। आने वाले टाइम में सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट एक छोटा सा मेंबरशिप ले लो, ठीक है? शायद आपके लिए ये 90 रुपए कुछ नहीं होंगे, बट हमारे चैनल को उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। संगीता, यूट्यूब पे डायरेक्टली ले सकते हो बेटा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, 15 क्वेश्चन नंबर। कंसंट्रेट करो सब लोग, अभी मैं सब बताती हूँ कैसे क्या करना है। आंसर करो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केस स्टडी क्या चीज होती है। केस स्टडी जब हम किसी पर्टिकुलर जो है किसी के बारे में जब हम इस स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ सिंगल और अ फ्यू इंडिविजुअल। ऑब्जर्वेशनल क्या चीज होती है, हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल, जब हम एक लंबे समय तक किसी चीज पे काम करते हैं। वह अध्ययन जिसमें कि प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेरणा और मापन किया जाए। एक्सपेरिमेंटल क्या चीज होती है, चर सक्रिय रूप से छल योजित किए जाते हैं, पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे आपको जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनके बारे में, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन से आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इन क्वेश्चन को देख करके क्या लगता है कि हमारी कितनी तैयारी है, प्लीज अपना अपना परफॉर्मेंस बताएं कि कितना परसेंट आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कितनी तैयारी करने की और जरूरत है। 40%, 50%, 60%, 80%, कितनी तैयारी और करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को देख के। किसी भी यूनिट से इस समय ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब पहले वाला पैटर्न नहीं है कि हाँ भाई कुछ पढ़ लिया हो गया काम। तो अभी क्या है कि आपको पूरा 10 यूनिट है, पूरी चीजें कवर करके ही चलनी पड़ेंगी। मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर रही हूँ, क्लास के बाद आधे घंटे के लिए मैं इसे ओपन करूंगी, तो आपने अपनी अपनी मेल आईडी, जो भी क्लास अटेंड करेगा मेरे को अपनी अपनी मेल आईडी सेंड करेगा टेलीग्राम पे, ठीक है? क्लास के बाद आधे घंटे तक के अंदर मेल आईडी आपकी आ जानी चाहिए। ये लीजिए, टेलीग्राम की लिंक मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। असहकालिक माध्यम का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? असहकालिक यानी असिंक्रोनाइज। असिंक्रोनाइज क्या होता है, जब कोई भी चीज सेम टाइम पर ना हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूज़पेपर रात को छपता है लेकिन आपको मिलता कब है, नेक्स्ट डे मिलता है। सेम टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि न्यूज आई और आपने पढ़ ली। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ईमेल। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको अभी मेल किया है और आप उसको अभी पढ़ लो, तो वो किस में आएगा, असहकालिक, जहां पर एक ही समय में हम बातचीत नहीं कर सकते। असहकालिक संचार तब होता है जब सूचना का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, इसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उन्हें अपनी सुविधा पर संदेश का जवाब देने की अनुमति होती है। पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, ऑनलाइन फोरम हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, वर्चुअल लाइब्रेरी हो गया, जो क्या होते हैं, असिंक्रोनाइज यानी असहकालिक होते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ये कौन सा यूनिट चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? ये जो यूनिट के क्वेश्चन है, कौन सी यूनिट के क्वेश्चन है ये? सिनेमा इसलिए नहीं क्योंकि आप गए सिनेमा हॉल और वहां पे चल रही है मूवी, तो दोनों लोगों ने एक साथ देखी कि नहीं देखी? जब मूवी चल रही है आप मूवी को देख रहे हो उसी समय पे कि नहीं देख रहे हो, कि ऐसा है कि मूवी चल गई और आप बाद में पहुंचे और आपसे कहा गया हाँ अब देख लो? टेलीविजन में कई बार आपने देखा होगा लाइव न्यूज आ रही होती है, सेम टाइम पे जब आप टीवी देख रहे हैं उसी समय पे वो चीज पब्लिश होती है या उसी समय पे ब्रॉडकास्ट की जाती है। तो असहकालिक क्या हो गया आपका, जो चीज मान लीजिए एक दिन पहले, 2 दिन पहले, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो एपिसोड है, मान लीजिए 50वां एपिसोड आ रहा है और आप देख रहे हो उसको 4 दिन बाद, ऐसा नहीं है ना? देखो एक चीज ध्यान रखो, आपके PYQ से यानी कि आपके जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है कब कब के, 2020 से लेके 21, 22 और 23, इस ये 4 साल के पेपर तो मस्ट हैं, इनको आप पढ़ लोगे तो आपका 50% तो यहीं से ही घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर इसमें, जो क्वेश्चन इसमें मैचिंग में आए हैं दूसरे पेपर में, वो स्टेटमेंट में पूछ दिए जाए, बट यस आएंगे वहीं से ही। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है निम्न संस्कृति का? इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ निम्न संस्कृति का प्रसारण है। निम्न संस्कृति सांस्कृतिक अनुभवों दृष्टिकोणों के पैटर्न से जुड़ी है जो समाज के निम्नतम वर्ग के क्षेत्रों में उपस्थित है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का मैंने आंसर भी दे दिया, वाह वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए जरा। द मेजर कैरेक्टर ऑफ डिजिटल मीडिया आर, डिजिटल माध्यम की प्रमुख विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? इस समय सबसे ज्यादा क्या चल रहा है आपका? नेटवर्क चल रहा है, सोशल मीडिया चल रही है, ठीक है, नेटवर्क पे कंसंट्रेट किया जा रहा है, न्यू न्यू आपकी जनरेशन की लैंग्वेजेस आ रही हैं, यहां से क्वेश्चन उठा उठा के देंगे आईसीटी में। 2022 की भारतीय मुझे देखना पड़ेगा बेटा, अवेलेबल होती है मैं आपको बताती हूँ फिर, ठीक है? डिजिटल माध्यम यानी डिजिटल मीडिया की विशेषता कैसी होती है? इंटरैक्टिव होती है। डिजिटल मीडिया जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ऑटोमेशन ऑटोमेट पे मोड पे चलती है, सस्ती लागत होती है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 1 ABC। डिजिटल माध्यम स्क्रीन या स्पीकर के माध्यम से प्रसारित डिजिटल सूचना के माध्यमों को संदर्भित करता है। इसमें क्या आता है? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, जो इंटरनेट पर देखने सुनने के लिए इंटरनेट पर प्रसारित किए जाते हैं। देख रहे हो अब यहाँ पे डिजिटल मीडिया पूछ लिया, फिर कहीं पर इन्होंने कूल मीडिया, हॉट मीडिया पूछ लिया कि वो क्या चीज होती है, ठीक है, किसी में इन्होंने पूछ लिया सिंक्रोनाइज क्या है और असिंक्रोनाइज क्या है, अल्टीमेटली है तो वही कॉन्सेप्ट, बस घुमा के पूछ लेंगे। अभी जैसे इन्होंने डिजिटल मीडिया के बारे में पूछा इस तरीके से कोडिंग में सॉरी, अगली बार हो सकता है स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि डिजिटल मीडिया में ये विशेषता होती है और डिजिटल मीडिया के अंतर्गत टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक आता है, बताइए सही है कि गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, संडे और सैटरडे का टाइम ऐसा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, सैटरडे और संडे का टाइम आप लोगों को ये मत सोचा करो कि मैं 9 बजे या 2 बजे क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि तो सैटरडे संडे मुझे सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो टेलीग्राम पे आप सभी लोग जुड़े रहो क्योंकि क्लास से आधे 1 घंटे पहले वहां पर आपको क्लास की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा टेलीग्राम पर एक्टिव रहिए। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मैं जूम कर रही हूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यस अमृता, मैं 9 बजे का भी क्लास लेती हूँ, बट अभी क्या होता है सैटरडे संडे का थोड़ा सा मेरा शेड्यूल इस तरीके का रहता है कि
कि थोड़ा सा मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाती हूँ, बट यस मंडे ट्यूसडे से तो फिर कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांजेक्शनल मॉडल क्या होता है, उसकी जो लक्षण है या विशेषताएं हैं वो कौन सी होंगी? सब बताऊंगी स्वाति, भारती टेंशन नहीं लो, अभी जो चीज चल रही है उस पे सब लोग फोकस करो बेटा। सबका फोकस अभी सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन? थम्स अप करिए अगर पढ़ लिया तो। टेलीग्राम पे ऐड क्यों नहीं हो पा रहा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का और बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बी सी और डी। ये अधिकांशतः अंतर्व्यक्तिक संचार के लिए उपयोगी है। इट इज मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रोल्स। प्रतिपुष्टि इस साइमल्टेनियस यानी प्रतिपुष्टि सहकालिक होती है। इस क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मैं जूम कर रही हूं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट नंबर वन, स्टेटमेंट नंबर टू, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शंस देखिए। गुड इवनिंग देव, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है, दोनों ही सही है। जन संचार के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अभिवाह की दशा में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसी दशा उनके परिचालन और प्रभावों को समृद्ध के साथ दुर्गा बनाती है। बिल्कुल सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप लोग देख लीजिए। जन संचार क्या होता है? उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से जहां एक साथ बहुत बड़ी संख्या में संचार किया जाए, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं या फिर लाल किले से भाषण देते हैं और वो पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व तक उनकी बातें जाती हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों तक जब आप एक टेक्निकल माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मास मीडिया यानी कि जनसंचार कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण कौन कौन सा है? जैसे कि समाचार पत्र हो सकता है, कानपुर से पब्लिकेशन हो, लेकिन वो न्यूज़ कहाँ कहाँ तक जाएगी? पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। पत्रिकाएं हो गई, आपका रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, चलचित्र हो गया। दूसरी चीज, जनसंख्या के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अभिवाह की दशा में रहते हैं। ऐसी दशा उनके परिचालन प्रभावों को समृद्ध के साथ दुर्गा बनाती है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही चीजें सही हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 21, अब आ गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करो जिसको भी इस क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। और दूसरी बात, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करा सकते हो। कोई चार्जेस नहीं है टेलीग्राम के। आराम से आओ, पढ़ो, क्विज करो, पीडीएफ्स को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक व्यक्ति एक बैंक में 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये जमा करता है। वह एक दूसरे बैंक में भी समान 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5,000 जमा करता है, जो वार्षिक रूप से मिश्र योजित होती है। 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है उसे ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन का सही आंसर यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवर्ती ब्याज है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पी ब्रैकेट में 1 + R/100, एन का मतलब है टाइम माइनस वन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मूलधन इसमें क्या है, 5,000 रुपए इसमें जमा किए, यानी सबसे पहला हमारा 5,000 रुपए थे। कितने दर पे ब्याज पर 12% की दर पे हमने जमा किए, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो हमने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को निकाल लेना है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर है। पी इंटू आर इंटू टी यानी 5,000 × 12 × 2/100 कर दीजिए, यानी यहां पे देखिए 5,000 लिखा, 12 लिखा, 2 लिखा, 100 कर दिया अपॉन, माइनस किससे करा, कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड का फॉर्मूला है पी फॉर प्रिंसिपल, 1 जो भी हमारा रेट है 12% का रेट था, 2 यानी 2 साल के लिए, माइनस 1, माइनस कर दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकाल के जो आपका आंसर आएगा 72, यानी आपस में माइनस करना है इसको। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, और आपस में जब माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 72। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला समझ में आया आपको? सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, और आपस में दोनों को जो भी डिजिट आए उसको आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। दो अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों के योग का 7 गुना है। इसके अंकों के व्युत्क्रम से निरूपित संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या प्राप्त कीजिए। करंट अफेयर नहीं सीमा, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर नहीं, हम लोग पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस। तो मैं बहुत जल्दी जनरल अवेयरनेस का भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, कभी भी करा सकती हूँ। तो तुम लोग सबके सब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं सबकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 25 कहाँ से आया, कहाँ पे है 25? अच्छा 25, ये जब आप इसको सॉल्यूशन निकालोगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, 100 × 1 करेंगे, यानी कि 100 × 100 और 12 जोड़ देंगे, तो ये कितना बना, 112। इसको कैसे बनाएंगे हम, 112 बना, 112, फिर 100, फिर उसके बाद क्योंकि 2 बार है तो फिर से 112, फिर 100। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी 28 × 28, मतलब सॉल्व करते जाओ आपको संख्या मिलती जाएगी। सॉल्व करके देखो, इसको काटोगे तो आपकी आंसर आएगी। कौन सा समझ में नहीं आया अमृता? इसको 2 से 4 से देखो डिवाइड करके, तो आपका आंसर आएगा 28। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे उसी से ही आएगा 28, 25 का। ठीक है, क्वेश्चन
नंबर 22 आपको सॉल्व करवाएंगे कल, तो आपको क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको कल। तब तक के लिए आपने क्या करना है, फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, सबसे पहली एक चीज है, क्योंकि क्लासेस में कोई ऐसा नहीं है चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन यस ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आपको ऐड करना है। दूसरी चीज, अपना ईमेल आईडी जो भी मेरे को शेयर करेगा ये वीडियो देखने के बाद में, टेलीग्राम ओपन है, आप लोग वहां शेयर कर सकते हो, उसकी ईमेल आईडी को मैं एक्सेस दूंगी। तीसरा, वीडियो को जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बस इतना सा काम है। और अगर आप चाहो सपोर्ट करना तो यस मेंबरशिप ले सकते हो, कोई ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि नहीं लेनी ही लेनी है, बट अगर आपको लगता है कि हेल्प करना चाहिए तो डेफिनेटली हेल्प करिए। तो भाई चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।